हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ। तो लीफ जो होता है, आपको पता है, ये अगर हमारा प्लांट एक्सिस है, एंड यहाँ पे हमारे नोड्स है, नोड्स के बीच वाला रीजन इंटरनोड है, एंड ये जो नोड्स है यहाँ पे ब्रांचेस लग सकते हैं, यहाँ पे लीव्स आ सकती है। तो जैसे कि ये हुआ हमारा एक लीफ, तो इस लीफ में अगर आप ये वाला पार्ट देखें जो हमारा जो मेन स्टेम है उसके साथ अटैच्ड है, इस पोर्शन को लीफ बेस बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दे कैन बी मॉडिफाइड टू थॉर्न्स एज वेल, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। एंड ये जो पार्ट है जो लीफ को ब्रांच के साथ कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पेटियोल। एंड जो लीफ का जो मेन सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, इसको बोलते हैं लैमिना। ओके, तो लीफ बेस सबसे लोअर वाला पार्ट होता है, इसको हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। एंड इसके ऊपर होता है पेटियोल, इसको मीसोपोडियम भी बोलते हैं। एंड जो सबसे ऊपर वाला होता है लैमिना जो होता है, ये ऊपर होता है, इसलिए इसको एपिपोडियम भी बोलते हैं। तो है ये हमारा बेसिक लीफ का मॉर्फोलॉजी। तो आप देख सकते हैं इस वाले लीफ में पेटियोल है, कुछ कुछ लीफ में पेटियोल नहीं होता, जिनके पास पेटियोल होता है उनको पेटियोलेटेड बोलते हैं। एंड जिनमें पेटियोल मिसिंग होता है, जैसे कि वो इस टाइप से होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, इनको सेसाइल बोलते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल। और भी तरह है लीव्स को क्लासिफाई करने का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ में अगर हम देखें, दो मेन टाइप के लीव्स होते हैं। एक होता है जिसमें वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन जो रेटिकुलेट होता है या नेटवर्क फॉर्म करता है, ये एक टाइप का होता है। नेक्स्ट टाइप हमारा होता है पैरेलल। तो ये हमारे दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। ये जनरली हमारा डाइकॉट्स में मिलता है, ये जनरली हमारा मोनोकॉट्स में मिलता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो है कैलोफिल्लम। ये एक्सेप्शन है डाइकॉट्स में से। एंड मोनोकॉट्स का एक्सेप्शन है स्माइलेक्स। अब ये जो रेटिकुलेट है एंड पैरेलल है, इन टाइप्स के वेनेशन को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि कितने मेन वेन्स है। तो पहला है हमारा पिन्नेट, इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन ब्रांच होता है, एक मेन वेन होता है, इसको इसलिए यूनिकॉस्टेट भी बोलते हैं। तो इसमें इस टाइप का लीफ होता है। एंड ये जो वेन्स है ये आपस में
नेटवर्क फॉर्म करती है। तो इसको अगर जूम्ड अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो वेन्स होते हैं हमारे, ऐसे नेटवर्क टाइप का फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली लाइक ये बहुत कॉमन होता है एंड इन ये इस टाइप का रेटिकुलेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये हुआ हमारा पिन्नेट यूनिकॉस्टेट। हमारा नेक्स्ट है मल्टीकॉस्टेट या पामेट। इसमें क्या होता है, इसमें फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक कन्वर्जेंट होता है एंड एक डाइवर्जेंट होता है। जो कन्वर्जेंट होता है उसमें सारे जो पैरेलल सारे जो हमारे ये होता है मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट मतलब मल्टीपल मेन वेन, जिसमें वन मेन वेन था इसमें मल्टीपल वेन होते हैं। तो मल्टीपल मेन वेन्स जब कन्वर्ज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन चाइना रोज, तो अगर इसमें हम लीफ को देखें, ये लीफ ऐसा होता है कुछ, तो ऐसे मल्टीपल मेन वेन्स होते हैं एंड आपस में इनका यहां पे नेटवर्क फॉर्म हो रहा होता है। तो ये होता है आपका कन्वर्जेंट पामेट रेटिकुलेट। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में कैसा है, डाइवर्जेंट में इसी टाइप का होगा बट ये जो हमारे मल्टीपल वेन्स है, ये मल्टीपल वेन्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, ये डाइवर्ज करेंगे। एंड यहां पे ये नेटवर्क फॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा डाइवर्जेंट पामेट। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल। पैरेलल में भी हमारा यूनिकॉस्टेट होता है। इसके यूनिकॉस्टेट में कैसा होता है, इसमें एक मेन ब्रांच होता है एंड इसके ऊपर ऐसे करके पैरेलल वेनेशन आता है। तो इसका आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि आपका बनाना है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक केस में आपका एक मेन ब्रांच हो। पैरेलल में काफी टाइम ऐसा भी दिखता है, एक लंबा लीफ होता है एंड इसमें बस पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये था हमारा यूनिकॉस्टेट का एग्जांपल, जैसे कि बनाना लीफ। पाम में मल्टीकॉस्टेट भी होता है। एंड ये जो मल्टीकॉस्टेट होता है, अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये जो सारे हमारे ब्रांचेस हैं वो कन्वर्ज हो या हमारे ये जो ब्रांच जो हमारे वेन्स के जो मेन ब्रांचेस हैं, मेन वेन्स है, वो डाइवर्ज हो सकते हैं। तो हमारा जो कन्वर्जेंट होता है इसमें मल्टीपल वेन्स होते हैं, मल्टीपल मेन वेन्स होते हैं एंड आपस में ये
पैरेलल विनेशन, एक पैरेलल नेटवर्क फॉर्म करते हैं। यहां पे हमारा एक रेटिकुलर नेटवर्क था, यहां पे पैरेलल है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, अगर हम इसका स्कीमेटिक देखें, डाइवर्जेंट में ऐसे करके होता है एंड यहां पे इसका पैरेलल विनेशन शो होता है। तो ये था हमारा मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट फॉर पैरेलल एंड ऑन द होल लीफ विनेशन के अकॉर्डिंगली हम कैसे अलग अलग लीव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एंड उनका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ लीफ एंड लीफ मॉर्फोलॉजी।